बन रहा है छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना के ठेकेदार और इंजीनियरों की लापरवाही का खामियाजा रेलवे ट्रैक किनारे रहने वाले गिरारी के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई है और कच्चे मकानों में भी पानी भर गया है। जहां लोग भारी बारिश से परेशान हैं, ऐसे में पेंड्रा रोड के सारबहरा से गेवरा रोड तक बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना के ठेकेदार और इंजीनियरों की लापरवाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। जहां पर निर्माणाधीन रेल लाइन के किनारे पानी की सही निकासी नहीं बनाए जाने से गिरोरी गाँव के लोगों की लगभग 50 एकड़ की खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। साथ ही बारिश का पानी धीरे धीरे सड़क किनारे स्थित उनके कच्चे मकानों तक पहुँच रहा है। जी, यहाँ पे जो है रेलवे विभाग की लापरवाही के द्वारा कारण जो है यहाँ पानी भर रहा है। यहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पानी का जमा हो रहा है, जिसके कारण पानी घर में घुस रहा है। इससे क्या है, जन धन की हानि हो सकता है, फसल नुकसान हो चुका है, करीब 50 एकड़ धान के फसल बर्बाद हो चुका है पानी के भरने से। प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो है रोड में वो पानी निकासी बनाया जाए करके पुल बनाया जाएगा, मगर आज तक नहीं बनाया गया है। यहाँ इसलिए खड़े हैं कि पूरा पानी फैल दिए घर पर 10-12 घर पे, और ये ऊपर ना हो 10-20 घर करके हमारा की बाजा और पानी गिरी तो हमार खटिया उतान है। कोई नहीं आया तो फिर कहे के इतना बहस हो, पूरा खराब हो, फसल गया खत्म। कितना एकड़ रहा होगा यहाँ पर खेत? अरे इतना बताओ, 5-10 एकड़। ग्रामीणों की माने तो उनके घरों के पास पानी निकासी की समस्या को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के साथ पेंड्रा गेवरा रोड रेल कॉरिडोर के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ठेकेदार और रेलवे के जवाबदारों ने अपना पलड़ा झाड़ दिया। अब लगातार शिकायतों के बाद भी ग्रामीणों की सुध नहीं ली जा रही है। लगता है कि सभी को किसी अप्रिय घटना का इंतजार है। ये पानी भराव की वजह से समस्या पैदा हो गया है। क्या ये फसल उसल है और अभी पानी का निकासी इन लोग रेलवे के द्वारा नहीं किया गया है, उसी वजह से जो है घरों तक पानी पहुंच रहा है और फसल तो फिर खराब हो ही रहा है। खेती किसानी हुआ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, घर तक पहुंच गया है तो संभावना तो समझ ही सकते हो आप क्या होने वाला। यहाँ पर जो पानी के लगभग 8-10 घर हैं। क्या है कि यहाँ 2-3 साल से अवगत करा दिया गया है कि पहले तो रेलवे को यहाँ पर पुल देना था, रेलवे ने यहाँ पर पुल नहीं दिया और कम से कम 40-50 एकड़ ज़मीन यहाँ पे पूरा डुबान में आ गई है, पूरा पानी भर चुका है। आप इधर भी देखेंगे जो बगल में घर है तो घर उसके पानी उसके आंगन तक पहुँच गया है, और अगर आज भी पानी गिरते रहा तो पानी उसके घर के अंदर घुस जाएगा और उसको जान माल का भी नुकसान हो सकता है। बाइट 3 प्रीतम सिंह ग्रामीण, बाइट 4 अर्पित राय जनप्रतिनिधि।